हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों आज आपको घुमाने वाले गोवा में स्कूबा, बनाना राइड और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और आपको आज प्रॉपर उसका, जैसे मैं अगर बात करूँ ना, नॉर्मली आप आएंगे तो उसका जो पैकेज है ना, यहाँ पर आपको बहुत महंगा देंगे लोग, 4,000-5,000। लेकिन आज इस वीडियो में ना पैकेज बहुत सस्ता दिलाने वाला हूँ आपको। अगर आप आना चाहते आप चैनल का नाम लीजिएगा, पैकेज बहुत सस्ता हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों सारी एक्टिविटी आज आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉपर व्यू, क्योंकि ये एक्टिविटी रहती है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक। तो सारी एक्टिविटी के सिनेमेटिक शॉट प्लस कितने रुपए में पैकेज मिल जाएगा आपको, मतलब इतने रुपए में कि आप सोच भी नहीं सकते यार। मतलब 4-5 हजार वाला जो पैकेज आपको देते हैं नॉर्मली यहाँ पर, वो बहुत ही सस्ते में आपको दिलाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों बढ़ते आगे और दिखाता हूँ आपको व्यू। तो दोस्तों फाइनली अभी यहाँ पर निकल चुके हम लोग और अभी मेन रोड तक पैदल चलेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगी बस जो हमें लेकर जाएगी आगे, जो दिखाएगी पूरा व्यू। तो यहाँ से बढ़ेंगे और देखो सूरज भी देखो, मतलब मस्त वाला माहौल निकल चुका आज। मतलब आज बीच पे नहीं गए हम लोग सुबह, क्योंकि आज पूरा दिन की जो एक्टिविटी है वो समुंदर में ही है, तो इसलिए आज बीच पे गए नहीं। वहाँ से आने के बाद शाम को बीच पे रहेंगे। तो चलो दोस्तों बढ़ते आगे और दिखाते कुछ और व्यू। तो दोस्तों फाइनली अभी बस से उतर चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग आगे, यानी कि अपने समुंदर की तरफ, जहाँ पे हमें मिलेगी हमारा क्रूज या नाव, देखते क्या रहेगा फैसिलिटी। एंड सेकंड थिंग कि इसमें हमारा ब्रेकफास्ट और लंच भी इंक्लूड है दोस्तों। और जो आगे से चल के अब सबसे पहले दिखाऊंगा आपको, मतलब पहले एक्टिविटी क्या है, क्योंकि इसमें जो है लोग 20 मिनट की ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को बताने के लिए किस तरीके से क्या क्या करना होता है। 20 मिनट की ट्रेनिंग के बाद आपको आगे लेके जाते हैं। तो पूरा ग्रुप होता है एक बस के अंदर, लगभग 40 लोग के समथिंग होते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सभी लोगों को एक्टिविटी सारी करानी होती है, इस वजह से टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से ये जो ट्रिप है ना, फुल डे का ट्रिप होता है दोस्तों। एक दो तीन, इस पे क्या लिखा है, चार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चप्पल हमें पहले उतारना होता है शिप में जाने से पहले, तो चप्पल यहाँ पर उतर गया तो चप्पल यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ से शिप हमारा वो है रेड वाला, तो वहाँ पर चलते हैं अभी अंदर। अरे एडजस्ट, मैं बता, मैंने पहले बोला है उसमें, देखो ना पीछे वाले में कितनी भीड़ है, वो एडजस्ट किया हुआ उसने। दोस्तों अंदर बैठ गए और यहाँ पर आपसे ये ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा इसमें, और क्या क्या सामान आएगा। फाइनली अभी स्कूबा का तो मजे लेकर आ चुके हैं और अब चल रहे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। और क्योंकि एक्टिविटी जो हमारी शाम को 5 से 6 बजे तक अभी एक्टिविटी रहेगी, 6 बजे वापसी रहेगी, उसके बाद थोड़े से नज़ारा रहेंगे आज बीच से। तो आपको फर्स्ट व्यू दिखाया स्कूबा का, जहाँ पर अपना इतना डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम जो करते हैं उनके लिए डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि नाक से सांस बंद हो जाता है और सांस से वो मुंह के थ्रू लेना पड़ता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं तो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो इसमें व्यू दिखाया आपको प्रॉपर किस तरीके से करते हैं, अपना सारा वीडियो दिखाया। तो हम लोग और दूसरी चीज़ ये थी कि दोस्तों यहाँ पर मतलब ज़्यादा फिश तो नहीं देख पाए,
चार पांच पीस देख पा रहे थे और ज्यादा नीचे भी नहीं लेके गए, चार पांच फीट की दूरी तक लेके जा रहे थे जैसे नीचे वो लेके नहीं जा रहे थे। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया था, बाकी पूरी वीडियो के लास्ट में आपको पूरा एक्सप्लोर करूंगा हर एक चीज। तो दोस्तों अभी हो चुका लंच का टाइम, यहाँ पर आ रहा है नॉन वेज वेज सभी तरह के खाने, यहाँ पर नॉन वेज नॉन वेज। सारी एक्टिविटीज करने के बाद वापस जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर समुद्र के पास पहुँच गए वापस, मतलब जो बीच पर हमने जाना है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सारी एक्टिविटी की जैसे स्कूबा हो गया, बनाना राइड हो गए और जैकिंग हो गया और पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग हो गई, सारी एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा मज़ा आया वाकई में। इंप्लीमेंट किया बोलते हैं वाकई में बहुत मज़ा रहा। और अभी आपको और भी व्यू देने वाले हैं, बहुत सारे व्यू देने वाले हैं। और जैसे आपको एक वीडियो की हमने कि स्कूबा में जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो ट्रेनिंग आपको एक बार पूरा जब वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा ट्रेनिंग दिया गया है कि किस तरीके से क्या एक्टिविटी करनी होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब नीचे समुद्र पानी में जाते हैं। चलो थोड़ा आगे का व्यू भी आपको दिखाया था दोस्तों।